إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أول بالأول كان قبلا والآخر بلا آخر يكون بعدا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عنعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين سب الكر نام أمير المؤمنين كتوسل کرتے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا اتنے مومنین شب شہادت یا وجیان عند اشفع لنا ایک اور بار نجف اشرف کی زیارت کے لیے یا وجیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مل کے صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا مل کے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد وہ شب آ گئی کہ جس کے لیے ابن عباس نے یہ کہا کہ ھذا الیوم نقص العلم والفقہ من ارض المدینہ آج کے دن علی دنیا سے نہیں گئے بلکہ علم اٹھ گیا فقاہت اٹھ گئی ایک مسیحی شاعر نے کہا کہ 21 رمضان علی دنیا سے نہیں گئے عدالت اٹھ گئی دنیا سے قتل الامیر بشدت عدل علی ابن ابی طالب کو شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا دنیا کے سینکڑوں ظالم بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں ان کے ظلم کی وجہ سے مارا گیا تاریخ میں علی کے سوا کوئی نہیں ایسا جسے اس کے عدل کی وجہ سے مارا گیا علی عدل میں بہت شدید تھے اور آج ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ فرش ادا پر موجود ہیں آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور بالخصوص پھر ہندوستان میں جو حالات ہیں اس وقت پینڈیمک کے وہ کتنے سخت ہیں حتیٰ تقریباً یہ 3 دن وہ گزرے ہیں کہ آن لائن مجالس سے تقریباً میں نے 16-17 مجالس سے خطاب کیا ہے یوروپ اور امریکہ سائٹ پر
जहाँ तकरीबन सारे सेंटर्स ऑनलाइन हैं इस वक्त और ऑन साइट बहुत कम है। तो अल्लाह सुभान व तआला का एक एहसान है ऑस्ट्रेलिया के मोमिनीन पर, यहाँ के मोमिनीन पर, कि बहरहाल हमें एक सआदत नसीब हुई है कि 3 दिन मुतवातिर इस कसीर तादाद में फ़र्श अज़ाए अली इब्न अबी तालिब पर आना किसी नेमत से कम नहीं है अज़ीज़ों, किसी नेमत से कम नहीं। और काश हम इस नेमत की कदर कर सकें, क्योंकि जैसे हुज़ूर ने बयान फरमाया कि कुछ नेमतें ऐसी हैं कि जब तक वो नेमत होती है तो उस वक्त तक कदर नहीं होती। अगरचे कि जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर लॉकडाउन था तो फिर उस वक्त बहुत से मोमिनीन ने महसूस किया कि हम कितनी बड़ी नेमत को रखते थे, हमें एहसास ही नहीं था साला साल से। जब लॉकडाउन हुआ तो पता चला कि फ़र्श अज़ा कितनी बड़ी रहमत है और कितनी बड़ी नेमत है। मोमिनीन का आपस में आके बैठ जाना और ज़िक्र अहले बैत को सुन लेना और मसाइब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर रो लेना, यकीन फरमाइएगा कि ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा मुश्किल को तो यही हल कर देता है फ़कत। कहीं और जाने है मेरे साथ आप इंशाल्लाह। तो और कुरान की जो आयत है इसको भी जरा एक और लताफत में देख लीजिएगा। आयत सबको याद है, मैं आधा हिस्सा पढ़ूंगा, आधा आप मेरे साथ पढ़ेंगे। लइन शकरतुम, मैं समझ रहा था याद होगी, लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। तर्जुमा याद है सबको? अच्छा, तर्जुमा मैंने भी इसी तरह से किया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मामूलन इसका तर्जुमा इसी तरीके से किया जाता है, मुहावरतन, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं नेमत को बढ़ा दूंगा। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि आयत में क्या नेमत का लफ्ज है? क्या ये आयत है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्ना नेमतकुम? नहीं, ये नहीं है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो नेमत को बढ़ा दूंगा, लफ्जी तर्जुमा ये नहीं है। इसका असल मतलब और गहरा है। देखिए, जो नेमत मिली हुई है ना फर्श अज़ा की, इस पर मैं बात कर रहा हूं। अब दुनिया की मादी नेमतें सब एक तरफ और ये जो मानवी नेमत है जिक्र हैदर करार की वो एक तरफ है। इसलिए कि जितना जमीन वाले अली की मारिफत रखते हैं उससे कई गुना आसमान वाले अली इब्न अबी तालिब का जिक्र भी करते हैं और मारिफत भी रखते हैं। बानस हदीस रसूल के इन्ना अहल समा ला अशद हुब्बन या अशद मारिफतन मिन अहल अर्ज, जितना जमीन वाले अली को पहचानते हैं उससे ज्यादा आसमान वाले अली को पहचानते हैं। तो अगर हमने इस नेमत का शुक्र किया तो क्या होगा? नेमत बढ़ जाएगी। इससे एक और गहरा मतलब आ जाइए, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह कह रहा अगर तुम शुक्र करोगे नेमत को फकत नहीं, मैं खुद तुम्हें बढ़ा दूंगा। असल तर्जुमा यह है इसका। काश मेरी बात पहुंच सके मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई मिलकर सलावत भेजे नाम हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि मैं नेमत को बढ़ाऊंगा, नहीं, मैं तुम्हारी ज़र्फियत को बढ़ा दूंगा, तुम्हारे ईमान को बढ़ा दूंगा। ये जो बाज लोग कहते हैं कि मतलब हम शुक्र कर रहे थे लेकिन बाज मरतब ऐसा होता है कि जाहिरी नेमत बढ़ी नहीं, अल्लाह ने उस जाहिरी नेमत भी इंशाल्लाह बढ़ेगी लेकिन जो असल वादा किया है वो ये तुम्हारी रूहानियत को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी मानवी, तुम्हें बढ़ा दूंगा मैं अगर तुमने इस नेमत का शुक्र किया तो। ऐसा है या नहीं? जब आप जिक्र मौलाए कायनात का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, ये फकत आपको नहीं बढ़ाएगा अल्लाह, आपकी नस्लों को बढ़ाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। ये अदब अल्लाह तो ये वो नेमत है। और यकीन जानिएगा कि जो मैंने कहा ना कि आसमान पर जिक्र मौला कायनात और भी ज्यादा है, सबसे पहले खुद अमीरुल मोमिनीन मौला अली को, अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले रसूल अल्लाह ने कहा, इब्ने अब्बास ही साथ में थे जिनके जुमले से मैंने तकरीर का आगाज किया है, कह रहे कि मैं एक मरतबा जा रहा था मदीना की गली से और रसूल अल्लाह आ रहे थे, रसूल अल्लाह मेरे साथ मौजूद थे और अमीरुल मोमिनीन यानी मौला अली आ रहे थे, तो मौला अली ने रसूल अल्लाह को सलाम अस्सलाम अलैहि किया रसूल अल्लाह। तो उस वक्त यानी जिक्र हैदर करार के लिए आइम्मा अलैहिस्सलाम भी ना एक अलग से हरीम के कायल थे, ये लफ्ज आप महसूस कर, एक अलग से एहतराम के कायल थे आइम्मा अलैहिस्सलाम मौला कायनात के मामले में, एक तकद्दुस, एक सेंटिटी इतनी, अब बात बाजी हो रही है। तो मौला कायनात ने रसूल अल्लाह से कहा सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह ने उस वक्त
कम से कम मजमे में पहली मर्तबा कहा, वरना अल्लाह जाने राजों में क्या कुछ कहा हो। मजमे में मैं बात कर रहा हूं, मजमे में पहली मर्तबा कहा वालेकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन। ये बात जाया ना हो जाए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहां से आगे बढ़ूंगा फिर मैं। वालेकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन। इब्न अब्बास कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि पहली मर्तबा मैंने लकब सुना था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ ना, फर्श अदा का सदका है, हमारा बच्चा बच्चा अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन सुबह शाम सुनता है। तो इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझे, मैंने कहा कि आपने अली को अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा, मोमिनों के अमीर? तो उसे हुजूर ने कहा, ए इब्न अब्बास, इसलिए जब मैं मेराज की बुलंदियों पर गया ना, और उस वक्त मेरे और खुदा के सिवा कोई नहीं था। हाय 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 भाई, मेरे और खुदा के सिवा कोई नहीं था उस वक्त। जब मैंने खुदा से कलाम किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे बात की और मुझे हैदर करार की आवाज सुनाई दी। तो मैंने कहा, या रब्बे अतुखातिबुनी अम अली, ऐ परवरदिगार तू मुझसे बात कर रहा है या अली मुझसे बात कर रहा है? रवायत पूरी होने दे। ऐ परवरदिगार तू मुझसे बात कर रहा है या अली बात कर रही है? तो रब की आवाज आई कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे पास मेहमान आए हैं और ये इतनी कुर्बत का मकाम है कि रब से बराह रास्त बात करना कोई आसान बात थोड़ी है। क्या मैंने चाहा कि आपके दिल को सुकून मिले, आपके दिल को इत्मीनान मिले? तो मैंने, रवायत का जुमला है, मैंने आपके कल्ब की गहराइयों पर गौर किया और मैंने आपके दिल के अंदर सिवाय अली के और किसी को नहीं पाया। मुल्ला मेहर अली तबरेजी एक हैं, ईरान के बहुत बड़े शायर। उन्होंने एक नज़म लिखी, उस नज़म को उसका 18 बैत की नज़म लिखी। ईरान का एक इलाका है खुई, जिसमें शायद बाज़ाहिर वहीं से आयतुल्लाह खुई जो थे, तो ये इनका ताल्लुक भी वहीं से था। तो मुल्ला मेहर अली तबरेजी, ये ताल्लुक वहाँ से इनका, आगे खुई भी इनके नाम के साथ आता है। इन्होंने पहला शेर लिखा, 18 अबियात पर मुश्तमिल वो नज़म है, कहा अलीयुन बशरुन कैफ़ा बशर, अरबी में लिखा, हाँ अलीयुन बशरुन कैफ़ा बशर रब्बुहु फीहे तजल्ला व ज़हर। अरबी आसान है, आप महसूस करेंगे। कहते हैं ये मैंने, इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा ये है, मैं कर दूँ, इस ख्वाब में रसूलुल्लाह आए थे, भी वाक़ा सुनाता हूँ, इनके ख्वाब में रसूलुल्लाह आए थे। हाँ अलीयुन बशरुन बशरुन कैफ़ा बशर, अली बशर तो है लेकिन कैसा बशर है? रब्बुहु फीहे तजल्ला व ज़हर, कि जिसमें रब की तजल्ली नजर आ रही है। रब्बुहु फीहि तजल्ला व ज़हर, जिसमें अल्लाह सुभानहु व तआला की सिफात जाहिर हो रही है। वाजिबुल वजूद वो मुमकिनुल वजूद, ये उस मुमकिनुल वजूद होने की हैसियत में सिफात जाहिर हो रही है। क्या मैंने ये 18 अबयात में मुश्तमिल लिखा, ख्वाब में रसूल अल्लाह को देखा और मौला अली भी तशरीफ लाए थे और मुझसे रसूल अल्लाह कहते हैं कि जरा दोहराओ तो सही इस पहले मिसरे को। ये विलायत, एक किताब है विलायत अमीन गदीरिया, उसमें ये वाकया मौजूद है कि रसूलुल्लाह ख्वाब में आए और रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आकर कहा कि अली दोहराओ, उस शायर से कहा कि दोहराओ तो सही। तो मैंने पहला मिसरा कहा, हाँ अलीयुन बशरुन कैफा बशर, अली बशर है लेकिन कैसा बशर है? तो कहा रसूलुल्लाह ने अली की तरफ देखा और मुझे देखते हुए अली की जानिब इशारा किया, कहा कैफा बशर कैफा बशर कैफा बशर। हाय 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 हाय, आज अमाल भी है, वक्त महदूद है, मुझे कोशिश करना बिल्कुल एक घंटे के अंदर बात खत्म हो जाए, तो मेरे साथ रहिएगा।
ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आपके जहन में आए कि बाज़ औकात उर्दू जबान में कभी खिताबत में, अलबत्ता हमारे यहाँ भी गलती होती है, उसमें सही तौहीद और विलायत के मरातिब का ख्याल रखे बगैर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अरबी जबान के अशार में आपको ये मिलेगा जिसमें रसूलुल्लाह ख्वाब में आए। और एक तो इतना मशहूर ईरान में मनकबत है अमीरुल मोमिनीन की कि आप किसी भी पढ़ने वाले को कहें तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पढ़ने वाला उस मनकबत को ना जानता हो। और शायद ईरान का कोई मशहूर मद्दा ऐसा नहीं कि जिसने अपने अंदाज में उस मनकबत को ना पढ़ा हो, और वो है अली ए हुमाय रहमत तुझे आयति खुदा रा, के बेमा सेवा फिकंदी हमें सा ए खुदा रा। सही, अल्लाह अकबर। दिल अगर खुदा शनासी हमें दर रुख अली भी, के बे अली शनाख तमन बे कसम खुदा खुदा रा। ये आयतुल्ला मरशी नजफी है ना, उन्होंने ख्वाब में देखा, कह रहे मस्जिद कूफा है, जाली की शहादत हुई, मस्जिद कूफा है और मौला अली मस्जिद कूफा के कोने पे, और कहते हैं कि मेरी मद्दाही करने वाले शोरा को तो बुलाओ। तो उसमें कुछ शोरा आए, मौला ने कहा नहीं मैं शहरियार को चाहता हूँ, शहरियार को बुलाओ। शहरियार को हाजिर किया गया, जैसे ही शहरियार आए तो मौला अली कहते हैं कि जरा मेरी शान में कुछ अशआर कहो। ख्वाब में देख रहे हैं आयतुल्ला मरशी नजफी, तो कहते हैं कि शहरियार ने कहना शुरू किया अली ए हिमा ये रहमत तुझे आयति खुदा रा, के बेमा सेवा फिकंदी हमें सा ये खुदा रा, यानी अली ए हिमा ये रहमत तुझे आयति खुदा रा। मेरा मौजूद था अली आयतुल्लाह रोजमा। हुमा कहते हैं फारसी जबान में एक ऐसे परिंदे को कि जो खुशबख्ती की अलामत है, जो इतना आसमानों पर उड़ता है कि कोई उस तक पहुँच नहीं सकता, इतनी उसकी रहमत और खुशबख्ती। अली ए हिमा ये रहमत, अली वो है कि जिसकी रहमत इतनी बुलंद है कि कोई उस तक पहुंच नहीं सकता। तुझे आयति खुदा रा, ए अली आप क्या अल्लाह की निशानी है, के बेमा सिवा फिकंदी हमें सा ये खुदा रा, के सिवाय खुदा के हर एक पर आपका साया मौजूद है, इतने बुलंद है आप, इतने बुलंद है। जाहिर है कि खुद रसूल अल्लाह मौला अली के भी इमाम है, वो बात समझाने की बार बार जरूरत नहीं है, के बेमा सिवा फिकंदी हमें सौ ये खुदा रा। और दिल अगर खुदा शनासी हमें दर रुखे अली भी, अगर तुम दिल तुम्हारा अल्लाह को जानता है ना, यानी अल्लाह की मारिफत रखता है, तो देखो अली इब्न अबी तालिब पर, अली के पास आओ कि बे अली शनाख्तम मन बे कसम खुदा खुदा रा, कि खुदा की कसम मैंने समझा ही खुदा को अली इब्न अबी तालिब के जरिए से। ये उन्होंने अशार लिखे, शहरियार ने पढ़ना शुरू किया अमीरुल मोमिनीन। अब मैं क्या करूं, अजल मरशी ने भी कहते मेरी आंख खुल गई, मैंने कहा शहरियार कौन सा शायर है, वो कुम में रहते थे, शहरियार कौन सा शायर है, कहा आगा एक शायर है जो तबरेज में रहते हैं, कहा उनको कहो क्या है मरशी नजफी ने बुलाया है, अब इतने बड़े मर्जे तकलीफ ने बुलाया, इतना बड़ा पैगाम आया, तो शहरियार पहुंचे, वहां से पहुंचे अजल मरशी नजफी कुम में, और कुम में पहुंच के मुलाकात के लिए आए, कहते हैं जैसे मैंने शहरियार को देखा तो मैंने शहरियार को देखकर कहा कि अली ए हुमा ये रहमत तुझे आयति खुदा रा। तो शहरियार अंगुश बदंदा होकर मुझे देखने लगे, कहते हैं खुदा की कसम ये मिसरे तो आज तक मैंने किसी को सुना ही नहीं है। हाय 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 अल्लाह अकबर, मिलके सलावत भेजे नाम हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कि ये अशआर तो मैंने किसी को सुना ही नहीं, और फिर मैंने आयतुल्लाह मरशी नजफी ने सुनाना शुरू किया शहरियार को अशआर, और कहते हैं वो मैं ताज्जुब से देखता रहा। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपको ये अशआर कहाँ से पता चले, मैंने ये अशआर लिखे हैं और अपने दफ्तर में बंद करके रख दिए, आज तक कहीं पढ़ा नहीं है। तो आगा मरशी नजफी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें अली ने बुलाया है और तुमने मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने ये अशआर पढ़े हैं, कि खुदा की कसम मैंने खुदा को अली के जरिए से समझा है, तुमने मौला अली साहब के सामने अशार पढ़े हैं। तो मैंने उसे पूछा कि आपने कब ख्वाब देखा था, तो शहरियार का बयान ये है कि जो आयतुल्लाह मरशी नजफी ने मुझे दिन बताया और या रात बतलाई और जो वक्त बतलाया रात का वक्त, कहते मैंने हिसाब किया बेऐन ही वही लम्हा था जब मैं इन अशार को लिख रहा था अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के।
नहीं नहीं कोई नमाता। देखिए जब कोई खुलूस के साथ हैदर करार का जिक्र करे ना, लाइन शकर तुम लजीद अन्ना को, अगर तुम शुक्र करोगे हम खुद तुम्हें बढ़ा देंगे, तुम्हारी इस्तेताद को बढ़ा देंगे, तुम्हारी जरफियत को बढ़ा देंगे। बात वाजे हो रही है। लिहाजा जिंदगी में जो काम करें आप पहले ये देखें कोई और राजी है या नहीं, पहले ये देख लें कि अली राजी है या नहीं। सबसे ज्यादा जो अहम इबादत बतलाई गई है वो इबादत यह है कि हत्ता नमाज रोजे ज्यादा अफजल का मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, हुब्बुन फिल्लाह व बुग्ज़ुन फिल्लाह, मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, बुग्ज़ रखो अल्लाह के लिए। और अल्लाह के लिए का मतलब क्या है, खुद ब खुद उसका इजहार अमीरुल मोमिनीन से है ना। वजुल्ला का मतलब क्या है, यानी अल्लाह सुबहानहू तआला की रिजायतों का इजहार अली इब्न अबी तालिब से। सही, तो जो कीजिए पहले देख लीजिए कि अली मुझसे राजी है या नहीं। अली के लिए दोस्ती रखें, अली के लिए बोझ रखें, सारे मामला हल हो जाएंगे। मैं आप हजरत क़िबला अल्लामा तालिब दौरी साहब के अल्फाज होते थे कि मैं अपने मानूस मजमे से ना मानूस मजमे तक बात पहुंचा दूं। तो अली के लिए मोहब्बत करो, अली के लिए दुश्मनी करो। कल मैंने बात की थी और मुझे तकरीबन अंदाजा था कि वो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी, तो वो अपनों में भी गई, कुछ हमारे और साथियों में भी गई। तो उसमें कि जनाब हज़रत खिज़र वाली मिसाल के खिज़र नबी थे या नहीं थे, तो जब आप दोनों फिरकों का एहतराम करते हैं, नबी मानने वालों को भी नबी ना मानने वालों का भी, तो उस पर तकरीबन 99.9% ने तो उसे बहुत कबूल किया। बास ने ये कहा कि ना 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 नहीं जनाब, जब हज़रत खिज़र की नबूवत के लिए इस तरह से है तो फिर अली की खिलाफत के लिए इसमें क्या बड़ी परेशानी है, कि अगर किसी ने कबूल किया था, किसी ने कबूल नहीं किया, उनके मुकाबले पर आ गया, तो आप दोनों का एहतराम रखें। अच्छा, अगर मैं इस बात को, जो कल मुझे बात कहनी थी वो कह चुका हूँ, अगर मैं इस बात को फेस वैल्यू पर ले लूँ ना, फॉर अ सेकेंड फेस वैल्यू पर ले लेता हूँ मैं, कि ठीक है भाई हज़रत खिज़र को जो नबी माने उनका भी एहतराम कर लो, और जो नबी ना माने उनका भी एहतराम करो, तो इख्तलाफ की बात क्या है। तो जितना आप हजरत खिज़र के बारे में कह रहे हैं इतना लिवरेज हमें असहाब के बारे में भी तो दे दो। पता नहीं यार क्या, यानी इस पर आपने नारा हैदरी तो कहा लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। तो मैं एक और जुमला कहता हूं, मैं कहता हूं मैं ज्यादा आपसे नहीं मांग रहा, मैं तो कह रहा हूं कि भाई आप तो हजरत खिज़र नबी के बारे में कह रहे हैं कि जो नबी माने उसका भी एहतराम, जो नबी ना माने उसका भी एहतराम। तो आप तो किसी को नबी ना माने तब भी मोहतरम रहें, और हम किसी को सहाबी ना माने तो हम काफिर हो जाएं। वाह वाह वाह, बात तो है, जब बाबे मदीना तो इल्म से इल्म की भीख नसीब होती है ना, तो फिर ऐसे ही नसीब होती है। तो आप हम पर ये इशरार करें कि एक एक को मानो, जो अली के मुकाबले पर है उसको भी मानो, और खुद हजरत खिजर को भी ना माने तब भी ठीक है, ये तो हम नहीं चलने देंगे इस तरह। भाई फैसला तो एक कर लीजिए, ठीक है। एक हमारे कोई और साथी होंगे, उन्होंने बड़े शायद तंज में लिखा है, क्या लिखा कि क्या तुम्हारा कोई अली से खूनी रिश्ता है कि जो तुम ये बातें कर रहे हो। तो मैं उन मोहतरम की खिदमत में करना चाहता हूं कि इतनी मेरी औकात नहीं कि मेरा अली से खूनी रिश्ता हो। मुझे अगर अली अपने कूचे की खाक भी कबूल कर लेना तो मेरी औकात से ऊपर है। बात पहुंच रही है,
हाय हाय हाय, तो दुख दर्द की कोई हद नहीं या अली मदद, जिसकी रदीफ है या अली मदद, मेरे साथ पढ़ेंगे इसे। दुख दर्द की कोई हद नहीं या अली मदद, हासिद करें हजार हसद, दुख दर्द की कोई हद नहीं या अली मदद, हासिद करें हजार हसद, खाने लगी है दिल को अकाइद की ये घुटन, है ना, खाने लगी, अब मैं खुद पढ़ता हूं, दुनिया खाने लगी है दिल को अकाइद की ये घुटन, दुनिया मेरे लिए है लहद या अली मदद। अब जब सुबह देखें कोई व्हाट्सएप पे कोई और तमाशा है, फेसबुक पे कोई और तमाशा है, कोई किसी को क्या लकब दे रहा है, कोई किसी को क्या लकब दे रहा है, इतना ज्यादा जजमेंटल होने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको, आपसे सबके बारे में नहीं पूछने वाला कि अगर वो बात उसने कही थी तो तुमने कोई रिप्लाई किया था या नहीं किया था। कोई वाजिब है क्या सबको रिप्लाई करना? जो बात आप अपने दिल में रखिए, बात जरूर खत्म हो गई बात। भाई कोई एक अथॉरिटी हो, कोई आयतुल्ला हो, कोई ऐसा मामला हो कि जिसमें वो हर एक के लिए जरूरी है कि हम कोई चाचे मामे बनते रहेंगे, जरूरी नहीं हर बात पे बोलना, कभी चुप रह जाना भी इबादत है। आए हाय हाय, गालिब शायद मौला अली सलाम का ही कलाम है, पूछा कि आकल की डेफिनेशन क्या है, मौलाना जवाब दिया आकल की डेफिनेशन ये है कि वो वहां बोलता है जहां बोलना चाहिए, वहां चुप हो जाता है जहां चुप हो जाना चाहिए। कभी चुप हो जाना भी आकल की डेफिनेशन है, हर जगह बोलना जरूरी नहीं है, सही है। तो दुनिया मेरे लिए है लहद या अली मदद, पेंडेमिक में बहुत से मोमिनीन भी परेशान हुए, तमाम इंसानों के लिए दुआ। अपनी माशियात का जामिन तेरा ही दर, फाइन, अपनी माशियात का जामिन तेरा ही दर, मेरी तलब है तेरी रसद, मेरी तलब है तेरी रसद या अली मदद। सिदरा से जाके, सिदरा पे जाके भी तेरी पापोश ही मिली। आया ये जुमला थोड़ा, पापोश कहते हैं नालायन को, सिदरा पे भी पहुंच जाओगे ना तो अली की नालायन के नीचे रहोगे। हाँ, सिदरा पे जाके भी तेरी पापोश ही मिली, थक सा गया शऊर का कद, ये बात पहुंच रही है भाई, थक सा गया शऊर खत्म हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था कम से कम 10 हवाले तो ब्रदर ने सुनर किताबों में, मेरे पास मोबाइल में सेव है, वक्त नहीं है कि मैं हर एक बात का हवाला पेश करता रहूं, कि गौर कीजिएगा, अगर सारे दर्द कलम बन जाए, सुनी भी हदीस है, तो सारे दर्द कलम बन जाए, सारे समंदर स्याही बन जाए, सारे जिन हिसाब करने लगे, सारे इंसान लिखने लगे, मा अहसौ फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जो शुमार नहीं की जा सकती, इन तऊदू नेमत अल्लाह ला तौसुहा, ये अल्लाह की नेमत शुमार नहीं की जा सकती, सूरह इब्राहिम में भी कहा, सूरह नहल में भी कहा, ये अली के फजाइल शुमार नहीं किए जा सकते, शुमार नहीं किए, काउंट नहीं किए जा सकते, काउंट। समझने की बात नहीं हो रही यहां पर, ये रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि तुम अगर सब मिलकर जाओ तो समझ नहीं सकते, समझ औकात क्या इंसान की, वो समझ काउंट नहीं कर सकते, अहसौ काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, गिनती करूं मैं तेरे फजाइल की किस तरह, हाय हाय हाय, गिनती करूं मैं तेरे फजाइल की किस तरह, तू है अजीम कम है अदद, अदद कम है, यो यो बस मेरे साथ रहेगा, ऐसा अजल से इश्क अली मिल गया मुझे, कहता रहूंगा ताबा अबद, बस गुफ्तगू खुलासा हो गया ज़ियान गिरम, आयतुल्लाह अल-उज़्मा तक पहुंचे ताकि आपको वो अल्लाह तक पहुंचाए, और इसलिए तहत विलायत मासूम आना ये बुनियाद है खुदा तक पहुंचने के लिए, वरना विलायत शैतान में रहेंगे। मैं आपसे और अपने आप से कह रहा हूं, हमने अपना कंट्री चेंज किया है किसी भी वजह से, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन याद रखिएगा कि हमने अपना कंट्री चेंज किया है, अपनी विलायत को चेंज नहीं किया है, सही। तो बाज़ मरतबा होता है ऐसा कि इंसान, बाज़ लोग समझ रहे होते हैं वो अगरचे के
जाहिर सी बात है कि ईरान में रोज़ा है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, ईरान से मुझे बड़ी मोहब्बत है, वहाँ पर उलमा है, फुकाह है, सब अपने मकाम पर, लेकिन आपको पता है हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो एक दफ़ा मैं फ्लाई कर रहा था जब ईरान में तालिबे थे, और ये मंजर चूँकि सबने देखा हुआ है, ये को मैं तंजन नहीं कह रहा लेकिन अपनी इसलाह के लिए कह रहा हूँ। तो फ्लाई कर रहा था तो जैसे ही बहुत सी खवातीन थी, उन्होंने अपना, आपको देखा होगा उन्होंने कि स्कार्फ वगैरह वो उतार देती हैं, सही, जैसे ईरान से निकले तो उन्होंने स्कार्फ उतार दिया, और फ्लाइट थी दुबई की थी या दोहा की थी। तो एक बुजुर्ग थे, वो भी ईरानी थे, बड़े दीदार मुतदयन, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि खानम हा, लेडीज से कहा, आप ईरान से बाहर निकली हैं, इस्लाम से बाहर नहीं निकली हैं। आप पाकिस्तान इंडिया से बाहर निकले हैं, आप अली की विलायत से बाहर नहीं निकले। बात पहुंच रही है, अगर हमने अपनी विलायत को, यानी अली की विलायत से जो हट जाएगा वो तख्ते विलायत शैतान है। विलायत का मतलब क्या है? विलायत का मतलब ये भी है कि आप यहाँ बैठ कर जिक्र सुने, उस पर आपके दिल में रूहानी कैफ आए, आप या अली कहें। और विलायत का मतलब ये है जो कंप्लीट मीनिंग है कि अली मेरी जिंदगी में दाखिल हो जाए, आए हाय, मेरी समातों में अली दाखिल हो, मेरी बसारतों में अली दाखिल हो, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। कल मैंने मिसाल दी थी, मैं कौन सा फंक्शन करता हूँ घर में, क्या उसमें अली दाखिल है या नहीं है? मेरी तकरीब में जहां मैं जाता हूं अली दाखिल है या नहीं? मैं आपसे दस बस्तर रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी माओ बहनों से भी और आपसे भी, फर्ज कीजिए कि जहां पर कोई ऐसा अहतमाम है जहां पर शरीयत का ख्याल नहीं रखा जा रहा, मिस गैदरिंग है, आप अदब एहतराम से किसी को तंज ना करें, नीचा ना दिखाएं, लेकिन आप अवॉइड करें, दिल में खुलूस के साथ इस्लाह की नीयत से, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, वरना यह और बड़ा हराम होगा। करें सबसे पहले तो खुद ही एहतमाम ना करें, आप खुद अपने आप के लिए सोचिएगा। हमारे उस्ताद मोहतरम थे, कुम में बड़ी अच्छी बात कहते थे, कहते थे अगर ये देखना हो ना कि इमाम जमाना सलाम मुझसे राजी है या नहीं, तो जरा ये देख लो कि तुम्हारी अटेंडेंस इमाम जमाना से मैच करती है या नहीं। यानी जहां तुम बैठे हुए वहां तुम तो प्रेजेंट हो, वहां इमाम जमाना सलाम की भी प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? अगर कोई ऐसी महफिल है जहां तुम तो हाजिर हो, इमाम नहीं हाजिर हो नहीं सकते वहां पर, तो फिर तुम क्यों वहां हाजिर हो गए जहां इमाम नहीं हाजिर हो सकते? पूरा दीन आ गया इसमें, ये मिल के सलावात भेजे। आप इंशाल्लाह ईमान और अमल साले पर रहेंगे। अल्लाह ने कुरान में वादा किया, सूरह मरियम की मैंने आयत पढ़ी है, गुफ्तगू खत्म हो रही है आस्ते आस्ते, सूरह मरियम की आयत नंबर 96 पढ़ी आज मैंने सलामा कलाम में, मौला अली के लिए मैंने कितनी कहा था आयतें नाजिल हुई है 300 कम अज कम, वो जो डायरेक्ट नाजिल हुई है, बाकी मैंने कहा पूरा कुरान ही कहीं ना कहीं से फजाइल अली इब्न अबी तालिब पर मुनहसर है। तो उनमें से एक ये सूरह मरियम की आयत नंबर 96, शायद ये एक नए पहलू से इस अंदाज से बात ना हुई हो, मैं आप तक पहुंचा देता हूं बात को। आयत का तर्जुमा ये है, अच्छा आयत का शान नुज़ूल ये, रसूल अल्लाह दुआ किया करते थे खुदा से कि ऐ परवरदिगार लोगों के दिलों में अली की मोहब्बत को ईजाद कर दे। रसूल अल्लाह दुआ करते थे, उस वक्त अल्लाह ने आयत नाजिल की, अल्लाह ने आयत नाजिल की, आयत का तर्जुमा किया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हर एक के दिल में नहीं आएगी, हाय 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 हाय, अगर तुम बाईमान हो और अमल भी साले है, सैयद अल्लाहुमुर रहमान वुद्दा, आयत का मतलब है कि तो अन करीब, सैयद अल यानी इन नियर फ्यूचर, अन करीब ही फौरन ही, लहुमुर रहमान वुद्दा, रहमान उनके लिए एक खास मोहब्बत दिल में पैदा कर देगा। यह आयत का तर्जुमा है, रहमान एक खास मोहब्बत दिल में पैदा करेगा, यह मौला कायनात की मोहब्बत के लिए, वुद है मोहब्बत भी नहीं, वुद्दा उसी से मवद्दत है, मवद्दत पैदा कर देगा अली के, अली की मवद्दत, बात वाज हो रही, अगर ईमान और अमल साले पर है, आप और हम मौला अली की विलायत में रहे, यानी मौला कायनात हमारी जिंदगी पर हावी हो, इहाता रखते हो, यह है विलायत का मतलब, बस बस हो रही। एक आयतुल्लाह खुनसारी थे, बहुत बुजुर्ग आलिम, तो आयतुल्लाह खुनसारी और भी गुजरे हैं मेरे ख्याल में, शायद ये तेहरान वाले जो मुश्ताहिद थे, तो इनके पास दो अफराद आए, उन्होंने कहा कि हमारा एक भाई है जो बिल्कुल ही आदतों में बिगड़ गया है, हत्ता ये कि खुदा न खास्ता शराब नोशी भी करता है, कुछ गलियों में ऐसे काम करता है, कभी चाकू निकाल लेता है, कभी उसका काम बड़ा, हम उसे समझा समझा के थक गए, मान नहीं रहा बात, तो आपके पास ले आए, आप मुस्तहिद हैं, तो आप उसको कहेंगे तो आपका असर हो जाएगा,
उन्होंने कहा कि देखो जैसी तुमने इसकी हालत बतलाई है ना मुझे, वो मेरी बात से भी ठीक नहीं होने वाला शायद। एक नुस्खा बता रहा हूं, वो कर लो, अगर वो हो गया पूरा तो ठीक हो जाएगा, वरना तो फिर उसकी हिदायत हम तो नहीं कर सकते, फिर अल्लाह जाने। कहा हुजूर बतलाइए, किसी तरीके से भी इसे लेकर करबला पहुंच जाओ। और उसकी वजह क्या बयान की, इस वक्त जैसी ये जिंदगी गुजार रहा है ना, ये अहले बैत की विलायत से निकल कर शैतान की विलायत में आया हुआ है, इसे लेके जाओ। या आपने जिंदगी में रूटीन बनाई हुई, पेंडेमिक तो पॉसिबल नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं अपनी सेविंग्स में से कुछ ना कुछ आप हिस्सा रखें। मैंने पहले भी कहा इस बात को कि मुझ जैसे एक खाकसार की 100 तकरीरें एक तरफ, अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जरी पर आप एक मरतबा खड़े होकर कहेंगे सलाम अलैका अबा अब्दुल्लाह, वो एक तरफ। आप अपने रूटीन में रखें इसे, जो कर सकते हैं हर साल जाएं, कोई साल मिस ना करें, बच्चों के साथ जाएं, इसे पाबंदी से रखें। इसका इतना रूहानी असर है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जाएं मौला अली इस्लाम के बाद, यहां बैठकर वो काम के जो किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके हम कर लेते हैं और आपके साथ मिलकर हो जाता है, कोई तबलीग कोई मौला अली इस्लाम का जिक्र, लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुआ, नजफ अशरफ के बाहर आयत लिखी हुई है नहीं, अपने नालैन को उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब जाते थे ना तो आयत नाजिल हुई थी ना फखला नालैन, अपने नालैन को उतार दो तुम मुकद्दस वादी में हो, वो आयत बाहर लिखी हुई। इसका एक मानवी पहलू भी है, इसका मतलब क्या है, फखला नालैक, ये जाहिरी चप्पल फकत ना उतारो, जो दिल की गंदगी मैल है ना उतारो। इन्ना कबिल वादिल मुकद्दस हुआ, तुम अली के मुकद्दस वादी में हो। हाँ जी, उस्मानी बादशाह का वाकया भी है, वो मैंने चूंकि पहले पढ़ा हुआ है और आप तक शायद पहुंचा हुआ होगा, उस तरफ जाऊंगा नहीं। तो चले, मुझे ऐसा लगा कि बाज़ यूथ मुझे घूर रहे हैं उनको शायद, तो मैं जल्दी जल्दी कह देता हूं कि एक उस्मानी बादशाह था जो गुजर रहा था नजफ की सरजमीन से, और उसका एक वजीर था, तो उस बादशाह ने मौला अली का गुंबद दूर से देखा तो अपनी सवारी से उतर आया, पैदल चलने लगा अली के एहतराम में। अगर शेख अली को इमाम नहीं मानता था लेकिन अली के एहतराम में पैदल चलने लगा, तो वजीर जो था उसे तकलीफ हुई, उसने कहा कि अली तो नकले कुफर कुफर ना बादशाह, अली तो मुर्दा बादशाह है, वो तो घर चले गए नऊज़ु बिल्लाह, आप जिंदा हैं तो आपकी ज्यादा हैसियत है, आप उसके लिए नऊज़ु बिल्लाह क्यों उतर रहे हैं अपनी सवारी से। तो कहते नहीं इनका एहतराम बहुत है। कहा नहीं नहीं आपके जहन का वहम है, दोबारा बैठ जाए घोड़े पर। उसने कहा नहीं मैं ऐसा करता हूँ, इस्तखारा देके कहता हूँ, कुरान से जो जवाब आ जाएगा उसमें अमल कर लूंगा, अच्छा जवाब आ जाएगा तो ऐसे चलता रहूंगा, बुरा आएगा तो बैठ जाऊंगा। तो आयत खोली, जैसे कुरान को खोला तो इस्तखारे में आयत निकली फखला ना ले इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुआ। अरे यार क्या हो गया, ऐ मूसा नालैन उतारो, तुम मुकद्दस वादी में मौजूद हो। उसने अपने वजीर से कहा पहले तो पैदल चल रहा था, अब अली का हुक्म आ गया, नालैन उतार किया हो मेरे पास। बात पहुंच गई। तो आप इसलिए जाइए वहां पर, वहां जाकर जो रूहानी असर है वो कहीं नहीं। खैर बात जो मैसेज था वो पहुंच गया, आयतुल्लाह खुनसारी ने कहा इसे लेके जाओ। जब उसके पास पहुंचे अब वो हंसी मजाक, उसने कहा करबला कौन से करबला, कहते किसी तरीके से हम जबरदस्ती कोई प्लान बना के ले गए उसे। रास्ते भर शोर शराबा करता रहा, हंसी मजाक कोई सीरियस नहीं हो रहा। आयतुल्लाह खुनसारी ने पता क्या कहा था, कैसे करबला लेके जाओ, इसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी है, देखते रहना बस उन्हें, अगर हुसैन की जरी के सामने पहुंचकर आंसू बहने लगे ना, इसका मतलब है कि अब तक हुसैन की विलायत में है। हाँ अभी नूर हुसैन है उसके दिल में। कहते हैं जैसे ही हमने जब पहुंचे वहां पर गुंबद नजर आया ना तो चुप हो गया, वो हो जाती एक हैबत तारी हो जाती, चुप हो गया। आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ा, हरम के सहन में पहुंचा, सर झुका लिया, बढ़ रहा था आगे, जरी के पास पहुंचा। ये वापस आए थे कुछ महीनों बाद बतलाने के लिए। कहते हैं जरी के पास जब वो पहुंचा ना तो जारो कतार रो नहीं रहा था, चीखे मार रहा था। तो आयतुल्लाह खुनसारी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अभी तक अमल चाहे
किसी गुनाह में पड़ गया था लेकिन हुसैन की विलायत में, अभी बारगाह से निकाला नहीं हुसैन ने उसे। ये आगा फातिमी निया का भी जुमला था कि अगर तुम ये देखना चाहते हो इतने गुनाहों के बाद भी क्या तुम्हारे जो तुम्हारी वजूद की जो हैसियत है वो खुदा की बारगाह में कोई इज्जत बची है या नहीं। अभी शब कदर के अमाल करेंगे ना, तो परवरदिगार कोई इज्जत मेरी बची है तेरी बारगाह में या नहीं। तो वो कहते थे कि अपने दिल में देखो कि हुसैन की माँ की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बची है या नहीं। अगर वो मोहब्बत है तुम्हारे दिल में, इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी बारगाह से नहीं निकाला है। सही है, ये अलामतें हैं जी, इसी को तो वजहुल्लाह कहते हैं। और क्या है, बात वाजह हो रही है। तो आगे खुसारी ने कहा ले आना मेरे पास, उन्होंने कहा कि अब लाने की जरूरत नहीं रही, वो सब कुछ छोड़ दिया उसने, सब कुछ गलत काम छोड़ दिया, बस वहां रोता रहा रोता रहा। तो हमने उससे जाकर कहा कि हुसैन ने तुम्हें इतनी तौफीक अता की कि तुम जरी हुसैन को देख कर रो रहे हो, तब क्यों ना मुकम्मल अब अब्दुल्लाह हुसैन सलाम की विलायत के तहत जिंदगी गुजारो। सब कुछ छोड़ दिया, नाम उसका इसलिए नहीं ले रहा हूं कि बाद में जाकर एक बहुत बड़ा शहीद बना हो। सही, जिसे हुसैन जिसे मौला अली अपनी तरफ बुलाना चाहे। बात बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे माँ बाप की दुआएं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता की है कि आप वर्किंग डे है, आजकल वर्किंग डे, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। क्या मतलब, अली इब्न अबी तालिब की विलायत में है लिहाजा उन्होंने तौफीक अता की है। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अज़ीज़ाने गिरामी बात मैं आस्ते आस्ते ख़त्म कर रहा हूँ और थोड़ा सा मसाइब भी पढ़ने हैं। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस राह पर रखना चाहते हैं, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। मैं हर तकरीबन मरकजी मजलिस में बात कहता हूँ, आज भी कह बगैर नहीं गुजरूंगा, एक बात के पॉइंट का इजाफा कर दूंगा। बल्कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर रहें, बच्चे को मदरसे से जोड़ के रखें। हमारा एक शबे जुमा का दर्स होता है, उसमें कुछ बातें आ जाती हैं, कुछ नहीं आ पाती हैं, कुछ मैं नहीं कह पाता हूं, कुछ कह पाता हूं। हर बात, हर शरी मसला, हर तफसील आधे घंटे की तकरीर में थोड़ी आ सकती है। उसके लिए वाजिब है, लाजिम है, ताकि आपका बच्चा सही सीखे कि वजू कैसे करना है, मुझे सही नमाज कैसे पढ़नी है, मुझे गुसल कैसे कर। फकत ये नमाज वजू गुसल नहीं है। आप मदरसे के बच्चों से माशाल्लाह पूछिएगा, शायद हो सकता है कि हम और आपसे ज्यादा हिस्ट्री की डिटेल को जानते हो, क्योंकि वो पढ़ते हैं वहां पर हिस्ट्री। आप माँ बाप से पूछ लीजिए जिनके बच्चे जाते हैं, हमें तो माँ बाप कहते हैं ना कि वहां साहब अभी तो मैंने एक बात कही थी, वो तो पूरी जंग जमल सुनाना शुरू हो गया मुझे। तो जंग जमल कहां से उसको पता चली, मैं तो मेंबर से पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ सकता हूं क्या? कैमरा बंद करके पढ़ू। लेडीज में शामत आ जाएगी, लेकिन क्योंकि यहां से लाइव हो रहा है, मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ बातें वाकई मैं यहां से नहीं कह सकता ना, तो क्या बच्चे को नहीं सिखाएंगे? आपको किसने सिखाई थी? आपको आपके माँ बाप ने बताई थी। आप मजलिस में, आप जब छोटे थे तो हम जब छोटे थे तो माँ बाप लेके जाते थे, बच्चों को हमने साथ भी बिठाए। अभी हो सकता है कि कोई कहे कि मौलाना साहब आप खुद वो कीजिए जिस पर आप खुद अमल करते हैं, मैं मेंबर पर होता तो मैं अपने बच्चे को साथ बिठा नहीं सकता मेरे भाई। तो अगर आप मेरे बच्चे को कहीं देख लें तो उस पर आप मुझे तो, लेकिन हमारी कोशिश आप साथ बिठाए। क्यों? चाहे बच्चे को इतना समझ में ना आ रहा हो, जब हम जाते थे माँ बाप के साथ तो हमें क्या पूरी बात समझ में आ रही होती थी? इतनी गाढ़ी उर्दू होती थी उस वक्त, तो आज तो फिर उर्दू आसान हो गई है, समझ ही नहीं आता था, लेकिन मिजाज बना। नारा हैदरी कहने के लिए आवाज खुली, या अली कहने के लिए दिल बढ़ा। जज़ाकअल्लाह। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं चंद लम्हे भी पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, जो आवाज़ की मेरी कैफियत थी डॉक्टर साहब जानते हैं। और पिछले 24 घंटे में शायद एक घंटा मैं सो पाया हूं, तो उस डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान साहब बड़े शफकत फरमाते हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत तबसरा भी किया उस पर। उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना साहब आप जिनकी मजलिसें पढ़ रहे हैं वो कभी सोए नहीं थे ना जिंदगी में। हाय हाय हाय। तो मैंने कहा इस काबिल है किसी मेंबर से कोट किया जाए। अली एक ही रात ऐसे सोए थे कि सारी मर्जियां खरीद लेती अली।
आए हाय हाय भाई, ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते और जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। जान के खतरे पे कौन रो रहा था? ये वही बात है जो मदरसे में सीखोगे, यहाँ से नहीं मैं बोल सकता। ओ जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, बिस्तर ना हो अहमद का तो आए हाय, बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते। हर फहम से बाला है, ये हक का वली है भाई। सोए तो मोहम्मद है, जागे तो है ना। वाजिल फरज हो तो अपने बच्चों खुदा रा भेजें। 400 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स इस वक्त है मदरसे में, 400 अबव पाकिस्तान सोसाइटी विक्टोरिया के मदरसे में, और भी माशाल्लाह मदरसे माशाल्लाह जहां कहीं जो खुलूस के साथ दीन अहले बैत की खिदमत कर रहा है, अल्लाह ताला उसमें तरक्की अता फरमाए इंशाल्लाह। इजारे ग्राम तो माशाल्लाह ये काबिले एक शुक्र बात है कि अल्लाह ताला ने इतने बच्चों की स्ट्रेंथ दी है, इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, 50 से ज्यादा अफराद की टीम है जो काम कर रही होती है, 400 अफराद को संभालना बच्चों को आसान काम है, पूरा स्कूल है ये। तो आपका बच्चा अगर नहीं जा रहा जरूर भेजें। दूसरा साथ में मैं अनाउंसमेंट इस बार जोड़ रहा हूं इसलिए कि माशाल्लाह उसमें भी बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। PSYG बच्चा जब मदरसे से बाहर निकल जाता है तकरीबन 15 साल उसकी एज होती है, तो वो बड़ी क्रिटिकल एज होती है, वहीं से तो फिर दुनिया अपनी तरफ खींचती है। फिर वो यूनिवर्सिटी जा रहे हो, हर किस्म का माहौल देख रहा है, हर एक के साथ उठ बैठ रहा है। तो पहले से भी एक सिस्टम था उसमें लोग मेहनत भी कर रहे थे, अब इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। यूथ जो 16-17 साल से ऊपर है, कम अज कम 20-22 साल तक के जो यूथ हैं उनके लिए भी फोर्टनाइटली प्रोग्राम PSV में होता है और इंशाल्लाह और मैनेज्ड वे में होगा और अच्छी तरीके से होगा। पिछले कुछ महीनों से अच्छा हो रहा है बहुत, इसलिए मैं यहां ऐलान कर रहा हूं कि उसमें गर्ल्स हो बॉयज हो दोनों का सेपरेट होता है प्रोग्राम। उसमें उनके लिए लर्निंग एक्टिविटीज भी हैं, उनके लिए फन एक्टिविटीज भी हैं, वो आपस में बैठते हैं बात करते हैं। जैसे बात है सेम एज ग्रुप होता है, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में, हम कौन सी यूनिवर्सिटी में, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे। अगर यकीन जानी इससे कुछ और मिले ना मिले, फकत आपके बच्चे की दोस्ती अपने मोमिन बच्चों से हो जाए ना, बहुत है बसी। यहां पर कितने ऐसे बच्चे हैं माशाल्लाह जिनके माँ बाप ने सिर्फ एक बुनियादी काम किया था, उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे जानता हूं मैं एहसन माशाल्लाह बड़ा लायक बच्चा, तो उन्होंने मुझे बताया। और भी माशाल्लाह यहां पर माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियतें की हैं। उन्होंने कहा हमारे माँ बाप ने एक पाबंदी लगाई थी कि बेटा जिसके साथ जाना हो जिसके साथ आना हो, हमें उस के साथ तुम्हारी दोस्ती चाहिए आना जाना जो हमें इमाम बारगाह में नजर आता है, वो बच्चा उसके साथ तुम जाओ कहीं पर तुम्हें आउटिंग पे जाना है। होता है यूथ है उसको शौक है, आपसे रोक नहीं सकते, वो जिम भी जाएगा, वो अपनी एक्टिविटीज में भी जाएगा, वो फन एक्टिविटीज के लिए भी जाएगा, वो जॉगिंग के लिए भी जाएगा। लेकिन बेटा हमारी शर्त यह कि आपने जाना उसके उस बच्चे के साथ है जो मुझे इमाम बारगाह में नजर आता है। बस ये एक शर्त आप लगा दें, खुद ब खुद फिल्टर है ये, प्रॉक्सी होती है ना। सही है, इन्नमा है इन्नमा, गैर अंदर आ नहीं सकता अपना बाहर जा नहीं सकता। भाई नमा के मानने वाले हो ना तो ये मिसाल दूंगा। अब मैं तो इस तरह से बात करता हूं भाई। तो ये PSYG यूथ को भेजें, यानी तकरीबन जब वो 15-16 साल का हो चुका है वो मदरसे से फ्री हो गया है, अब उसको PSYG में आना चाहिए, और जब 20-21 साल का हो जाए तो उसकी शादी हो जानी चाहिए, ये भी जरूर याद रखें। सही है, अब शबे शहादत तो मैं इस पर ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये मैसेज जरूरी है, बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है ये। बहरहाल पता नहीं मैं इस पर कहूं या ना कहूं, आई थिंक ये जो मैंने एज कही है गर्ल्स के लिए तो थोड़ा उससे पहले, आई पर्सनली फील। बाकी ये आपका इख्तियार है, आप खुद बेहतर समझते हैं, और इससे ज्यादा लेट खुद बहुत शैतान को दावत दे रहे हैं, अब क्या कहूं और जी। तो इस काम के लिए भी कुछ लोगों को उठना चाहिए, अब मैं क्या कहूं, कितने जवान है जो हमसे आके कहते हैं वाल साहब कोई एहतमाम, जाहिर कोई सिस्टम बाकायदा इस तरह से नहीं बना हुआ, या कम से कम मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है, शायद एक बना हुआ। अगर मैंने जो बहुत इतना जरूरी शरी काम है कि जिसकी हद नहीं, कुरान का हुक्म है कि सालेह
मर्द और औरतें उनका आपस में निकाह करा, वान के हयाम मिनकुम वसालिहिन मिन इबादिकुम व इमाक व यकूनु फुकरा युग्निहिमुल्लाहु मिन फज़ले, तुम फिक्र ना करो अगर फकीर भी होंगे अल्लाह अपने फजल से गनी बना देगा। ये काम करने वाले हैं जाने का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा इंशाल्लाह कि इस मजलिस से आवाज़ मेलबर्न में बहुत दूर तक जाती है और बहुत से मोमिनीन तक जाती है माशाल्लाह। तो इसे जोड़ के रखें, एक आखिरी गुजारिश, वॉलंटियर्स का बेपना मशकूर हूँ जिन्होंने आज बारिश सख्तरीन हालात में वेदर में वो बाहर बेचारे खड़े रहते हैं। मुझसे किसी ने कहा क्या उनके लिए यही जुल्म कम है कि बेचारों को इफ्तार पे बसाओ का समोसे भी नहीं मिल पाते, जो हमारी लैंग्वेज में कहा जाए तो यही बहुत बड़ा जुल्म है शायद। तो इफ्तार भी उनका इस तरीके से होता है कि कभी कुछ मिला तो कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन वॉलंटियर्स चाहे यहाँ हो चाहे PSV में हो, वाकई सलाम है आपको, वाकई सलाम है आपको, सुभानअल्लाह, आपकी दिल से कदर करते हैं जनाब रज़ा हुसैन भाई हैं, उनकी जो पूरी टीम है और भी लोग हैं, मुझे माज़ूर अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ या भूल जाऊँ। और एक आखिरी ये भी दस बस्ता गुजारिश कर दूँ, किसी को इख्तियार नहीं है मौला अली की विलायत या मौलाइत या मौलाई होने पर कॉपी राइट रखने का। बात बात हो रही है यार, रिस्पेक्ट सलवात का तो बनता है मेरा, एक खास तरह से मातम करता है वो अपनी तरह से इजहार करता है, उसकी विलायत का इजहार वो है। आप कोई और कम्युनिटी खिदमत करते हैं आप अपनी तरह से इजहार करते हैं, सब एहतराम करें एक दूसरे का, बामी एहतराम रहेगा इंशाल्लाह, एक दूसरे के मददगार होंगे, एक दूसरे को काटने वाले नहीं होंगे, सही है, टॉन्ट करने वाले नहीं होंगे। सोशल मीडिया इस काम के लिए नहीं है कि आप अपने अंदर के मामला को फिर बाहर निकालें। जो मैले कपड़े होते हैं ना घर के अंदर धोए जाते हैं, घर के बाहर नहीं धोए जाते सड़कों, सोच समझ के बात होनी चाहिए कि कौन सी बात जा रही है, कहां उसका क्या असर हो रहा है। बात बात हो रही है, कोई ज्यादा डोज तो नहीं हो क्या कोई हैवी, ठीक है कल, हाँ इतनी जरूरी है। अल्लाह बस यार करामी, ये 6-7 नुक्ते हो गए, इंशाल्लाह आप बाद में इसको सुनिएगा भी और अल्लाह मुझे भी हिदायत दे आपको भी इंशाल्लाह। इन अमरना साबुन मुस्तसअबुन, मौलाना ने फरमाया था कि हमारे जो फजाइल है ना वो साबुन सख्त भी हैं, मुस्तसअबुन हासिल करना भी उन्हें सख्त है, हर एक के दिल में आते नहीं। ला यतहम्मलू, आपके काम के जो सुना रहा हूं, ला यतहम्मलू कोई उसको तहम्मुल नहीं कर सकता, इल्ला नबीयुन मुरसल औ मलकुन मुकर्रब औ मोमिनुन इम्तहनल्लाहु कल्बहु फील ईमान। हमारे फजाइल ऐसे सख्त हैं कि कोई उसको तहम्मुल नहीं कर सकता सिवाय नबी मुरसल के, सिवाय मलक मुकर्रब के, या उस मोमिन के जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। आपको किस कैटेगरी में रखा है मौलाना, अल्लाह अकबर, किस मकाम में रखा है, अल्लाह बस इसीलिए सब कुछ देखने के बावजूद भी कबूल नहीं करते थे, क्यों, इसलिए कि ना नबी मुरसल थे ना मलाके मुकर्रब थे ना कोई ऐसे मोमिन थे कि जिनके अल्लाह जिनके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान लिया हो, सामने देखते थे कबूल नहीं करते थे, अली के इल्म को देखते थे, अली की कजावा कहते थे अकजाकुम अली, सबसे बेहतर फैसला करने वाले अली हैं। कितने वाकयात ऐसे सबको याद है, मैं क्या मेंबरशिप सुनाऊं, वक्त मसाइब का आ रहा है कि आए किसी पर गलत हद जारी कर दी, किसी को गलत कत्ल का हुक्म दे दिया, किसी पर जिना की नऊज़ु बिल्लाह गलत हद जारी कर दी, बाद में अली आए इज्जत को बचाया नफ्स को बचाया और वहां पर कहते थे लौला अली ला हलक फलान, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये भी खुश फहमी है कि अब तक हलाक नहीं हुए, यार जरा मिजाज बना लेना मेरे साथ, हो जाता
इस पर मुझे इतराज है। आए हाय हाय मुझे वो अकल का अंधा नजर नहीं आता, मुझे वो अकल का आखिरी मिसरे कह रहा हूं मैं जा रहा हूं मंजिल मसाइब पर जिसके दिल में जितना, मुझे वो अकल का अंधा नजर नहीं आता जिसे गदीर का मौला कजावत में है आला समझ में आता है, खिलाफत में हो पहला समझ नहीं आता। बस कजावत में है आला समझ में आता है, खिलाफत में है पहला, क्योंकि साबुन मुस्तसबुन ये हजम करना मुश्किल है। इल्ला नबी उन मुरसल, या नबी मुरसल को समझ में आएगा या मलक मुकर्रब को या वो मोमिन जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। सुभान अल्लाह, किस किस पहलू पे बात करूं जाने ग्रामी, पता नहीं क्या कुछ दिल में आता रहता है, कहता चला जाऊं कल, लेकिन चूंकि वादा भी कर चुका हूं कल, एक घंटा 20 मिनट की गुफ्तगू हो गई थी, लेकिन बहरहाल आप जिस तरह से सुन रहे थे आपके चेहरे मुझे बता देते हैं, और जैसे ही कुछ स्विच ऑफ होने लगे तो मैं बंद कर देता हूं, लेकिन वो स्विच ऑफ होते नहीं है माशाल्लाह से, तो इसलिए यहां से भी करंट चलता रहता है। तो अजीजान ग्रामी, अल्लाह ताला आपको कोई गम नाता फरमा सिवा इमाम हुसैन इस्लाम के। एक बात दिल में आ रही थी वो कह ही दूं, जो मैंने कहा ना दिल में आ रही थी बात, वो कल के लिए, जब खतीब को सिलसिलेवार गुफ्तगू कर रहा हूं ना तो उसके दिल में ख्याल आ रहा होता है कि चलो बात को रोक लो कल पढ़ देना, कल के लिए काम आएगी। लेकिन यकीन फरमाइएगा, शायद कभी कोई ऐसा हो गया हो तो मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन यकीन फरमाइएगा कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई मौला ने बात दिल में रखी हो और मैंने बुखल की वजह से रोक के रखा हो ना। वक्त की तंगी कभी बात अलग होती है, लेकिन बुखल की वजह से रोक दिया हो कि कल बताऊंगा, जिस अली ने आज दिया वो कल नहीं देंगे क्या? जिसने आज दिया वो कल नहीं देंगे क्या? अरे मेरे मौला की शान, ये देखे हर दावे को रद्द करना आसान है सिवाय एक दावे के। हर दावे को रद्द करना यानी हर दावे को रद्द करना बहुत मुश्किल है सिवाय एक दावे के। मसलन क्या, अगर मैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वतौलन मिसाल दे रहा हूं, मैं कहूं आपसे मैंने जिंदगी में कभी कोई नमाज शब कजा नहीं की, दावा कर रहा हूं, झुटला के बता दो मुझे, रद्द कर सकते नहीं? क्या सबूत है आपके पास? तो दावा कर रहा हूं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वतौबा, मैं कहूं कि मैंने आज तक 10,000 लोगों की मदद की है, रद्द करके बता दो, दावा है लेकिन रद्द नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर मैं ये दावा करूं ना कि मुझे दुनिया की हर शय पता है, हाय 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 बात पहुंची ना, तो एक मिनट में मुझे रद्द कर देंगे आप? कैसे, कोई मुश्किल सवाल कर लेंगे मुझे आएगा नहीं? इसी खातिर है कि कोई ना कह सका सलूनी सलूनी। हाँ, दावा अली ने कोई और दावा नहीं किया, असल ये दावा किया, रद्द कर से तो करो ना। एक इबादत और है, हर इबादत में कहीं ना कहीं रियाकारी मुमकिन है, लेकिन मैदान जंग में जहां जान का खतरा हो ना वहां रियाकारी हो नहीं सकती, इसलिए कि जान स्टेक पे लगी हुई है। नमाज पढ़ा हूं रियाकारी से, रोजा रखूं किसी को बता के रखूं, चैरिटी तू बता के करूं, ये रियाकारी हो सकती है? जहां मेरी जान को खतरा हो ना वहां रियाकारी नहीं हो सकती, इसलिए रियाकारी दिखाने के चक्कर में। इसलिए बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे जो कहते थे कि नमाज का मजा अली के पीछे है और खाने का मजा, ये खुद चूंकि बात मीडिया पे कोट कर दी गई, मुझे तो ताज्जुब हुआ कि जिस बात को हम अजीब समझते थे वो फखर में बयान कर रहे थे, कमाल हो गया यार। एक चीज छोड़ दी उन्होंने, मैं पूरी कर दूं, हिस्ट्री में एक और चीज लिखी हुई है, नमाज पढ़ने का मजा अली के पीछे, खाना खाने का मजा माविया के साथ है, जंग देखने का मजा पहाड़ के ऊपर से है, ना यहां से खतरा हो ना वहां से खतरा हो।
क्योंकि मैदान जंग में अगर हो तो किसी तरफ से भी हो खतरा मौजूद है। तो जो भागने में स्पीड रखते थे वो आ जाते थे मैदान जंग में कि चलो निकल जाएंगे, जो नहीं रखते थे वो कहते थे कि हम पहाड़ के ऊपर से देखेंगे, इधर से भी मजे लो उधर से भी। तो ये तारीख में जुमला लिखा हुआ है, मैंने खिताबतन नहीं कहा कि बढ़ा के कह दिया, जंग देखने का मजा पहाड़ के ऊपर से दोनों साइड को देखते रहो। वो जो कहा ना किसी ने कि एक बात कही तो एक साहब ने कहा वाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी बात कही, कोई और साहब आए उन्होंने उसके बिल्कुल बरक्स बात कही, तो पहले साहब को कहा आप ठीक कह रहे हैं, दूसरे से कहा आप भी ठीक कह रहे हैं, और जब तीसरे ने कहा ये दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं कैसे दोनों ठीक हो सकते हैं, कहा आप भी ठीक कह रहे हैं। तो होते हैं कुछ इतना। तो भाई ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं, हक के मामले में न्यूट्रलिटी कुछ नहीं होती है। हक के मामले में न्यूट्रल होना अपने आप को धोखा देना और बातिल का साथ देना। हक नजर आए तो इतनी जरूरत करो कि हक के साथ रहो। हाँ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा कुछ, लेकिन साथ रहो बस। तो हर इबादत में रियाकारी हो सकती है, मैदान जंग में जान का खतरा है। इसी खातिर है कि मस्जिद के सूफी बहुत मिल गए, मैदान का मुजाहिद सिवाय अली के कोई ना मिला। उस जमाने में ऐसा होता था मेडल्स नहीं होते थे फौजियों के, आज तो मेडल्स होते हैं ना, रैंक्स होते हैं, सही है ना, कर्नल है फिर उसके बाद आई थिंक मेजर है, उसके बाद मेजर जनरल है या ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसके बाद इस तरह से आखिर में जनरल है आई थिंक। ये अलग अलग स्टार्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान में। उस जमाने में स्टार्स क्या होते थे, जख्म जितने बदन पे जख्म है ना वो उसके मेडल होते थे। इसके जिस्म पर जख्म इतने इसका मतलब है कि मैदान जंग में रहता है, साइड पे नहीं बैठा रहता। हाँ जी थे अली इब्न अबी तालिब के जिस्म पर बहरहाल जख्म थे, इसलिए कि बहरहाल वार होता था। अब ये भी शायद अल्लाह की मसलहत रही होगी इसमें कोई, मैं इसमें क्या तबसरा करूँ, हाँ ताकि ये फजीलत भी अली इब्न अबी तालिब के हिस्से में आए, किसी और के हिस्से में ना जाए। तो बहरहाल जख्म होते थे उनके जिस्म पर, लेकिन इतना जरूर है कि अली कभी मैदान जंग से भागे नहीं और अली ने कभी मैदान जंग से भागते हुए का पीछा किया नहीं, पीछा नहीं किया, जो जा रहा जाने दिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो निशान थे ना वो मौला अली अलैहिस्सलाम के जिस्म मुतहर पर थे, और अली के जिस्म पर फकत जंग की जख्म के निशान नहीं थे। जब मौला हसन मुश्तबा गुस्ल दे रहे थे ना अपने बाबा को, तो अली के पुश्त पर उन बोरियों के निशान भी थे जो अली रात की तारीकी में अपने पुश्त पर रखकर यतीमों को तकसीम करने जाया करता था। अल्लाह खुदा का सा मौजिज़ा है ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लिहाजा कूफा के यतीम बच्चे 3 दिन से बड़े रो रहे थे, हमें खाना खिलाने वाला आया नहीं, हमें रोटी देने वाला आया नहीं। अल्लाह अकबर। जब एक रिवायत मिलती है बदायर शाह इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए, लेकिन शायद जो जहन में आ रहा है मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए भी है, कम से कम इससे मिलता जुलता वाकया कि जब मौला अली पहुंचते थे तो बताते तो थे नहीं कि मैं कौन हूँ, गिज़ा रखते थे आगे बढ़ते थे। कहीं आप क्या समझते हैं कोई ऐसे आलीशान लोगों के घर होते होंगे, आलीशान छोड़ दीजिए आम से भी घर ना, बेचारे बयाबानों में झुग्गियों में झोंपड़ियों में ऐसे रहते थे ना लोग। तो अली जाते थे उस झोंपड़ी के बाहर, उसके अहाते पे उसके दरवाजे में रख दिया, रोटी टुकड़ा रखा, सालन रखा, आगे बढ़े फिर रखा। तो कभी कोई कहता था कि मौला को कि मौला बतला तो दें कि आप हैं, ये इन्हें पता ही नहीं है, बतलाए तो सही कि आप रख रहे हैं ये। और अली कहते थे कि जिसकी खातिर रख रहा हूं वो देख रहा है, सुभान अल्लाह, काश अली से खुलूस सीख सके, सुभान अल्लाह, जिसकी खातिर रख रहा हूं वो देख रहा है। मुझे एक मेरे जवान साथी ने भी कहा और मुझे अच्छा लगा कि आहिस्ते आहिस्ते माशाल्लाह शऊर बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब जब आप मसाइब का जिक्र करें ना तो अली की गुर्बत का जिक्र भी जरूर कीजिएगा, अली फकत तलवार के मज़लूम नहीं, अली की गुर्बत जानते हो कितनी ज्यादा है, अली इतने गरीब थे रसूल अल्लाह की वफात के बाद कोई अली को सलाम करने वाला नहीं था। हाय हाय सैयदा टूटे हुई पसलियों के साथ उठती थी, दरवाजे पर आती थी, अली कहते थे ऐ बीबी आपने जहमत फरमाई, का या अबुल हसन मैंने सुना है आपको कोई सलाम नहीं करता। अली कहते थे ऐ सैयदा अब तो वो वक्त आ गया कि अली किसी को सलाम करे तो कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता।
अली इतने गरीब थे, अली इतने गरीब थे कि जब जनाजा सहरा को लहद में सुपुर्द किया तो जनाजा देने वाला था लेकिन लेने वाला कोई मौजूद नहीं था। कब्र जहरा से दो हाथ बरामद हुए थे, ए अली मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दो। अली ने वो मजलूमियत पे जिंदगी गुजारी है। अली खुद नहजुल बलागा में कहते हैं, मेरी आंखों में कांटे थे, मेरे हलक में हड्डी थी। अल्लाह अकबर। 25 साल उस सब्र में जिंदगी गुजारी अली इब्न अबी तालिब ने। उसके बाद जंगे भी आई तो अली कितने मजलूम थे, कभी जबल है, कभी सिफीन है, कभी नहरवान है, अपने ही लोग धोखा देते थे, अपने ही लोग पलट जाते थे, मारिफत नहीं रखते थे, अजब मसाए में मौला के। और एक मंजिल वो आई, आज शबे 21 रमजान आ गई अजीजों, अली के गुजरने की रात है, आज अली की आखिरी रात है अपनी बेटियों के साथ। आज अली की आखिरी रात है ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ, आज अली की आखिरी रात है अपने हुसैन के साथ, आज अली की आखिरी रात है। अल्लाहु अकबर। जुमले सुन लेना, जब मौला ने, कल मैंने कहा था ना वसीयतें मुकम्मल करना शुरू की, तो जो वसीयत करते जाते थे तो मेरे मौला हर औलाद का हाथ हसन के हाथ में दिया, और फिर बीबी के रोने की आवाज़ बुलंद हुई, उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया और कहा कि बीबी आप गिरिया ना करें, अब्बास को बुलाया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। आज ताबूत की बरामदगी भी है ना, ताबूत अली को कंद, मैं कहूँ अहले बैत के जनाजे, हर जनाजा अजब मजलूमियत का जनाजा है, बिलखसूस जो पंजतन के जनाजे हैं ना वो इतने मजलूम हैं। मैं क्या अर्ज़ करूँ, रसूल अल्लाह के जनाजे पर चंद लोग थे, फातिमा जहरा का जनाजा रात की तारीकी में था, अली मुर्तजा का जनाजा भी रात की तारीकी में था। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, इसलिए कि खवारिज ने यह कहा था कि हम अगर कब्र अली पता चल जाए तो अली की कब्र खोदेंगे, अली का लाशा निकालेंगे, बेहुर्मती करेंगे, लिहाजा मौला की कब्र मख्फी रखी गई थी। मगर चंद असाब को पता था, यह छठे इमाम के जमाने में पता चला कि कब्र अली कहां पर है। लिहाजा इतने मजलूम थे अली, हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश थी, एक जुमला कहूं रोएंगे, और हुसैन का तो जनाजा उठाने वाला ही नहीं था कोई। सलाम आका अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर, आज हुसैन यतीम हो रहे, मौला हमारा बुरसा कबूल करो, ए बीबी हमारा बुरसा कबूल करो, एक वक्त आएगा इसी गुफा में बेमखना और चादर बाबा को याद करते हुए कहोगी अस्सलाम वालेकुम अबता, ए मेरे बाबा आप मेरी आवाज का पर्दा करवाते थे, ये देखे शराबियों का मजमा है, ज़ैनब पहरेदार है, सकीना का गला रसीद है मदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो शबे 21 रमजान आ गई है, जो आज ना रो सके कम से कम रोने जैसी शक्ल बना ले, वाजिब है रो पर, शरअन में हलाल हरा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अली की मोहब्बत में कम से कम रोने जैसे सर को झुका कर या अली कहते जाना। एक मंजिल वो आई कि जब मौला ने अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, कहा से तेरा मौला हुसैन है, बस जिंदगी गुजर गई। अब्बास ने मौला कहा, आका कहा, भाई नहीं कहा करते थे। एक मौका आया कि जब मेरा कटे हाथों वाला मौला जमीन कर्बला पर गिरा, हुसैन पहुंचे, कहा भैया तूने हमेशा मुझे मौला कहा, आज जा रहे हो एक बार भाई कहकर अब्बा। उसके बाद और वसीयतें फरमाई, एक वसीयत वो की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करीब बुलाया, मौला अली बिस्तर पर है, आखिरी वक्त है। मौला अली ने इमाम हुसैन को करीब बुलाया, कुछ कहा, अब अब्दुल्लाह हुसैन साहब रोने लगे, ये कुछ ज़बाने हल पड़ रहा हूँ कुछ उलमा से सुना हुआ, मौला हुसैन रोने लगे, बहनों ने पूछा क्या वसीयत की थी, कहा अभी नहीं कह सकता हया माने। भाइयों ने पूछा क्या वसीयत की थी, कहा नहीं मैं बदला नहीं सकता, जानते हो ये राज कब खुला, अली ने 21 रमजान क्या कहा था, जब हुसैन वक्ते आखिर के लिए असरे आशूर बीबी ज़ैनब के पास आए, कहा बहन ज़ैनब तो पूछा करती थी बाबा ने क्या वसीयत की थी, जरा बाजुओं से रिदा तो डाल, आगे बढ़कर बीबी के पास मातम कर ला, या हुसैन के आगे बढ़कर बाजुओं का बोसा लिया, कहा बाबा ने कहा था हुसैन मैं मौजूद रहूंगा मेरी नियाबत में, ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना, रसिया बांधी जाए। सुन लेना, खुदा किसी गम में ना रोलाए सिवाय गमे अली के, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए,
खुदा की आदत को पूरा फरमाए। आज हसन और हुसैन यतीम हो रहे हैं, ए मौला भगत वो नहीं, हम यतीम हो रहे हैं, हमारा बाप जा रहा है। या अली अलविदा, खुदा हाफिज अली। सुन लेना, बीबी जैनब सलामुल्लाह को भी बुलाया, वसीयत की मेरे मौला ने आखिर में, कहा बेटी आपको शराबी के दरबार में भी जाना होगा, कम जरफों के यहां जाना होगा। उस वक्त ये मैंने क़िबला लामा ताली जोहरी साहब से जुमले सुने थे, उस वक्त बीबी जैनब ने सवाल किया कि बाबा हर मुश्किल आएगी, सख्त होगी, लेकिन जब बहुत मुश्किल आ जाए तो आप मुश्किल कुशाए कायनात हैं, क्या आएंगे अपनी बेटी की मदद को? अली ने वादा किया 21 रमजान, बेटी जब मसाए बहुत तो फिक्र ना करना, हिम्मत ना हारना, जैसे आप अपने बच्चों को कहते हैं वैसे अली ने अपनी बेटी से कहा, ए बेटी तेरा बाबा आएगा। रिवायत मिलती है बीबी जैनब शाम की पहली मंजिल से गुजरी, 7 मंजिलें थी, दूसरी मंजिल से गुजरी, कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई गर्म पानी फेंक रहा था, बीबी आली आली कह के चल रही थी, 7वीं मंजिल आई, बेटी का दिल था का बाबा कब आओगे बाबा। ये कहकर बीबी बैठ गई, सैयद सज्जाद ने कहा बीबी अम्मा बस एक मंजिल रह गई है चले, कहा बेटा सज्जाद बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ये कह के उठी, कहा सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, मेरा बाबा आ गया मुझे लेने के लिए। एक वक्त आया, बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया, अली की सांसें रुकने लगी, कैसे जुमले कहूँ, आए आए आए। यकीन जानो एक तरह से मसाइब पढ़ना हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब, हुसैन के भी बाप है अली इब्ने अबी तालिब, हम सबके बाप है अली इब्ने अबी तालिब। अली की सांसें रुकने लगी, बच्चों को जमा किया हुआ था, कहे बच्चों रसूल अल्लाह लेने आ गए, तुम्हारी माँ फातिमा जहरा आ गई, जिब्राइल अभी काइल आ गए, बच्चों अलविदा। अली की आवाज बंद हुई, थमने लगी, का खुदा मिलता है बास किताबों में कि बेटियों ने अपने आप को अली के लाशे पर गिरा दिया। देखिए कहा ही जाता है ना कि जिस लाशे पर अगर कोई बेटी जब तक गिरिया ना करे गिरिए का हक नहीं अदा होता, ऐसा ही है ना, बेटे चाहे कितना ही रो ले। बीबी साहिब ने अपने आप को अली पर गिरा कर कहा बाबा मुझे छोड़कर बाबा जैनब यतीम हो गई, चले गए बाबा, जुमला कहूँ मुझे नहीं मालूम, कूफा में बीवी का लिपटना ज्यादा सख्त था या करबला में एक छोटी बच्ची का हुसैन के बाबा लाशे से लिपटना। अजी तो अजब कैफियत है, लग रहा है पढ़ते पढ़ते जैसे रूह लग, अजी तो सीना खुंड रहा है, ये अली मुझे हिम्मत दे, अजब कयामत का समा है, गुस्लों का फल हुआ अली के घर में, गए ना बहते अली, वहीं पर गुस्लों का फन दिया इमाम हसन, इमाम हुसैन ने खुद गुस्ल दिया, और उसके बाद अली का ताबूत चला, ये चला था निकला है जनादा कोई अल्लाह के अफलाक में एक शोर है मातम के असर। अब्बास सरा ज़ैनब में मुस्तर से खबरदार, फरियाद में हट जाए ना चादर कहीं सर से, हाँ भूल ना जाना इन्हें कूफा के वकीलों, गुजरेंगी ये शहजादियां। रुक जाना रुक जाना रुक जाना, एक जुमला मुझे कहना है, रुक जाना। अली का ताबूत चला, भी ताबूत आएगा कंधा देना। अली का ताबूत चला, एक तरफ से हसन ने उठाया मौला हसन, एक तरफ से हुसैन ने उठाया, दो अतराफ से जिब्राइल और मीकाइल को अल्लाह ने भेजा था, एक तरफ से अली के शागिर्द हैं जिब्राइल, उस्ताद अली इब्ने अबी तालिब अपने उस्ताद का जनाजा उठाया, जिब्राइल ने मीकाइल ने जनाजा चला। मैं कहूँगा जिब्राइल और मीकाइल तुम इस ताबूत को उठाने के लिए कूफा तो आ गए हो, लेकिन करबला में आना
एक लाशा रखा है जिसका उठाने वाला कोई नहीं है, बीमार है, कोई ताबूत नहीं है, किसी ईमान का लाशा तीन दिन तक नहीं पड़ा रहा, सिवाय लाया गया, बीमार है, हाथों में हथकड़िया है, पैरों में बेड़िया है, जिस दरद के पास से गुजरा का सलाम अलैक गया अमीर अल मोमिन, झुककर सलाम किया, आ जाओ ताबूत ले आना, ताबूत अली आ रहा है, जब ताबूत को देखना तो कहना है बोला आज आपके ताबूत को उठाने वाले इतना मोमिन, सलाम उस हुसैन पर जिसका कोई ताबूत नहीं था, बेटी बाप के लाशे से लिपटी थी, कोई तमाचे मार रहा था।